खत्म करने वाले सेमेस्टर टू के लिए ठीक है तो बिना किसी देर करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं हमारे जितने पी डी है आप ऑफिशियली हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं आपका आ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ ठीक है जिन्हय अनिरुद्ध नाम से हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर तो आप वहाँ से कोई भी पी डाउनलोड कर सकते हो ठीक है सो हेलो एवरी वन टू अ वेरी न्यू सेशन ऑफ सिविक्स टूडे वीड टू स्टार्ट कवर द चैप्टर प्रेजिडेंट ओके सो हमारे रामनाथ कोविंद जी सर है यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो सो so स्टार्ट करते बिना किसी देर करते हुए इंट्रोडक्शन द प्रेजिडेंट इज द हेड ऑफ ऑल द द स्टेट्स एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल डिफेंस इन इंडिया सुप्रीम हेड हेड ऑफ ऑफ द द जो होता है ऑल स्टेट्स मतलब पूरे कंट्री का वो हेड होते हैं ठीक है एंड जितने भी जो मिलिट्री uh, uh, तीनों फील्ड में आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स इन सब का सुप्रीम कमांडर कौन होता है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ठीक है ठेके? जब इमरजेंसी लागू होती है तो प्रेजिडेंट ही इन्हें लीड करते हैं ठीक है ठेके? चलो प्रेजिडेंट्स uh, hmm. बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए हर किसी uh, हर कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है उसके लिए कुछ बेसिक बेसिक क्वालिफिकेशंस चाहिए ठीक है तो वो क्या क्वालिफिकेशंस है आइए यहाँ देखते हैं वन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली यार पाकिस्तान यूएसए चाइना के लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बना सकते ठीक है ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट हैव कम्पलीटेड थर्टी फाइव ईयर्स ऑफ एज क्योंकि लोग कहते हैं कि एज के साथ आपका आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती है तो उन्हें एटलीस्ट थर्टी एक इतने बार देश को एक थर्टी फाइव ईयर्स ऑफ एज का क्वालिफाई करना, करना रहता है थर्टी फाइव ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट करना रहता है ठीक है मतलब पैंतीस साल होना होगा उन्हें ही मस्ट हैव बिन क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एंड शुड बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्शन में कोई भी इलेक्शन में क्वालिफाइड या फिर एक मेंबर ऑफ लोकसभा उन्हें होना होगा चाहे वो राज्यसभा के मेंबर भी हो सकते हैं कहीं के भी लोकसभा भी हो सकते हैं बट ही मस्ट बी अ क्वालिफाइड मतलब ही मस्ट हैव बिन क्वालिफाइड इन एन इलेक्शन ओके एंड ही मस्ट नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्मेंट मान लो वो प्रेजिडेंट भी बन चुके हैं एंड वो कोई गवर्नमेंट सर्विस भी कर रहे हैं या कोई बिजनेस भी कर रहे तो ये नहीं चलेगा ओके इफ ही इज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया रादर दैन डूंग एनी अदर वर्क ओके ही कैन नॉट अर्न एनी अदर प्रॉफिट एक्सेप्ट फ्रॉम सैलरी दैट इज बिन सेंशन टू हिम ओके चलो इलेक्ट्रोल कॉलेज प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैसे इलेक्ट होते हैं ठीक है चलिए इनडायरेक्ट uh, इलेक्शन सबसे बड़ा हमेशा याद रखिएगा आपको एम या फिर वन वर्ड क्वेश्चन फिल्म कहीं पूछा जा सकता पूछा जा सकता है कि द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई द मेबर्स ऑफ इलेक्टोरल इलेक्टोरल कॉलेज जिसे हम एम भी कहते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है वो मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ठीक है मिलके करते हैं द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एम एल एज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ठीक है डोमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज लेजिस्लेटिव अब्लिस डू नॉट वोट ठीक है लेजिस्लेटिव असेंबलीज ये सब जो डोमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जैसे कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो जो भी हेड मिनिस्टर्स होते हैं ये लोग वोट नहीं करते हैं 450 फिफ्टी मेम्बर्स फोर फिफ्टी मेबर्स शुड प्रपोज द प्रेजिडेंट कैंडिडेट एंड अनदर फिफ्टीन मेंबर्स शुड सेकेंड प्रेजिडेंट कैंडिडेट द इज इलेक्टेड इन अकॉर्डिंग टू विन सिस्टम ऑफ प्रपोजनल रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रांसफर ऑफ वोट इन सीक्रेट बैलेट चार सौ पचास मेबर्स जो है वो अपने अपने प्रेजिडेंट्स के um, मतलब प्रेसिडेंट का नाम सामने लाते और मिनिमम पंद्रह मेंबर्स को ऐसा होना होगा जो कि एक सेकंड प्रेसिडेंट जो सेकंड कैंडिडेट रहेगा उनका नाम पे आई I मीन mean, उनको भी मतलब सेकंड पर्सन को भी खड़ा किया जाएगा जो कि प्रेसिडेंट का मतलब इलेक्शन लड़ेंगे ठीक है जो दो तभी ना दो बंदे होंगे तो दो वोट होगा तो वहाँ पर प्रेजिडेंट इलेक्ट होता है तो मेजोरिटी से क्या होता है जनरली जिसकी गवर्नमेंट रहती है जो मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर रहता है जिसकी सरकार रहती है प्रेजिडेंट उन्हीं का रहता है जैसे रामनाथ कोविंद जी सर जो है वो शायद बीजेपी के राज्यसभा मेंबर थे आई गेस मुझे याद नहीं है या फिर वो जो भी थे वो बीजेपी के थे ठीक है तो 450 फिफ्टी मेम्बर्स ऑब्वियसली जिसकी मेजोरिटी रहेगी वही वोट अपने फेवर में देगा ठीक है पंद्रह बाकी मेबर्स जो कितना ही वोट दे मेजोरिटी विन करता है टू थर्ड टू थर्ड मेजोरिटी डोमिनेट करता है ठीक है रीजन फॉर इन इलेक्शन क्यू इन इलेक्शन मैं आपको जस्ट जी स्टोरी बताता हूँ स्टोरी की तरह समझाता हूँ क्यू इन इलेक्शन देखो यार प्रेजि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है पब्लिक इलेक्ट करती है और अगर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को भी पब्लिक इलेक्ट करेगी तो यार दोनों में फिर डिफरेंस क्या रह गया ठीक है एक को पब्लिक रिप्रेजेंट कर इलेक्ट करता है और एक को करते है। तो क्या रहता है कि जो व्यक्ति पब्लिक के लिए काम करे वो हेड होता है वो सबसे वो बस नाम के होता है ना सुप्रीम कोर्ट जैसे ब्रिटेन में कैसे क्वीन है वहां पे तो क्वीन बस नाम की क्वीन है मेन जो प्राइम मिनिस्टर ही है ठीक है तो यहां पे वही फंडा है ठीक है जो प्राइम मिनिस्टर है वो इलेक्टेड द पीपल है तो मेन पावर उनके पास होगा पीपल हमने इलेक्ट किया है उन्हें ठीक है तो वो हमारे लिए काम करते और जो प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करते हैं मेबर्स ऑफ द हाउसेज एम वगैरह ये लोग मिले करते तो वो मतलब उतना पावर होल्ड नहीं कर पाता है ठीक है तो इसीलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रेजिडेंट को दिया जाता है और डायरेक्ट कौन होता है प्राइम मिनिस्टर होता है ठीक है देखो तो राइवल सेंटर ऑफ पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो जाएगा यहाँ पे ठीक है आप पढ़ सकते हो इलेक्ट्रल कॉलेज इलेक्ट्रल कॉलेज कंप्राइजेस ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड स्टेट असेंबली मेक हिम नॉमिनी ऑफ होल इंडिया ठीक है सब उन्हें एक नॉमिनी बस बना देगा टू सेव द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्टोरल एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्टोरल कमीशन क्या होता है इलेक्शन कराने जानते करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं अब मान लो दो 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 इलेक्शन होंगे हर स्टेट में इलेक्शन चलता रहता है तो देश का पैसा वहाँ वेस्ट होता रहता है ठीक है अब मान लो प्रेसिडेंट का अलग से पूरा कंट्री में इलेक्शन होगा तो हजारों करोड़ रुपया वेस्ट होगा तो उसको भी ध्यान में रखते हुए उन्हें इनडायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है जो मैं फर्स्ट पॉइंट बताया हूँ कि मतलब प्राइव ताकि जो पब्लिक जिसे इलेक्ट करती है।, जिसे, uh, है वो ज्यादा पावरफुल और जिसे करते हैं वो कम ऑफ इंडिया ये क्वेश्चन of बहुत इंपॉर्टेंट है किसके प्रेजेंस में प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ओथ लेते हैं सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक है डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ इंडिया प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट ठीक है टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड मतलब पावर्स क्या है ठीक है डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेजिडेंट पहले तो डिस्चार्ज के जो फंक्शंस है उनको मतलब आ, काम पर लाएंगे जो भी फंक्शंस है प्रेजिडेंट का एक रोल होता है उन्हें लाएंगे टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कंस्टिट्यूशन एंड लॉ एंड डिवोर्ट हमसेल्ट सर्विस एंड वेलबिंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया ठीक है प्रोटेक्ट करेंगे प्रिजर्व करेंगे डिफेंड करेंगे संविधान जो होता है हमारा मेन होता है डिवोट हमसेल्ट सर्विस एंड वेलबिंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया सो बेसिकली आप बहुत ईजी पॉइंट से आप पढ़ सकते हो वहाँ पर ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनका टर्म क्या होता है फाइव ईयर ऑफ एज सॉरी नॉट एज फाइव ईयर्स फाइव ईयर्स के बाद वैकेंट करना पड़ता है इन्हें सीट छोड़ना पड़ता है द द सबमिट रेजिग्नेशन लेटर टू वाइस ऑफ इंडिया अगर मान लो प्रेजिडेंट को प्रेजिडेंट का पोस्ट नहीं संभालना है तो वो वाइस प्रेजिडेंट को रेजिग्नेशन का लेटर हाथ में दे देंगे ठीक है आई होप पॉइंट बहुत ईजी होगा आप इसे पॉज करके पढ़ भी सकते हो कोई जल्दबाजी नहीं बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली आपको इस पी डी एफ या प्रेजेंटेशन आपको इस, uh, नेक्स्ट तो so, आता है पावर्स ऑफ इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट इन सेंस क्या होता है उन्हें ऑफिस हटाया जाता है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे वो व्यक्ति होते हैं पे कभी भी कोई केस नहीं हो सकता ठीक है जिन्हें ऐसे ही हटा नहीं सकता उन्हें एक प्रोसीड्योर से

एक रेजोल्यूशन पास करेगा कि उन्हें हटाना है तो दिन पहले फोर्टीन डेज पहले एक एक लेटर भेज देगा कि भैया अब आपको हटाना अब आपको हटना होगा ठीक है और उसका एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रहते हैं जो वन फोर्थ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रहेगा उतने लोगों को उस लेटर में साइन करना रहता है ठीक है वन फोर्थ ओके मान लो दस दस है तो शायद ढाई मतलब ढाई करेंगे ना हाँ ढाई होगा ठीक है जो भी है तो मतलब चार में से एक बंदे को वहाँ पे करना पड़ेगा साइन ठीक है तब भी वो लेटर वहां तक पहुंचेगा एंड अ रेजोल्यूशन इज पास बायोरिटीशिप ऑफ नॉट लेस देन ऑफ द टोटल ऑफ द हाउस जब ऑफ द वैसे देखो वहां पर जब नोटिस कब जाएगा जब वन फोर्थ लोग साइन करते हैं और वो रेजोल्यूशन पास कब करेगा जब टू थर्ड ऑफ द मेजोरिटी हाँ बोलते हैं मतलब कि अब इन्हें हटाना होगा ठीक है टू थर्ड याद रखना हर चीज में टू थर्ड चाहिए मतलब मेजोरिटी से हाफ से ज्यादा ठीक है वैन अ रेजोल्यूशन इज पास देन द चार्ज इज इन्वेस्टिगेटेड मतलब जो चार्जेज लगाए गए प्रेजिडेंट के ऊपर वो इन्वेस्टिगेट किया जाते हैं ही कैन अपियर एट द टाइम टू जस्टिफाई ओवर द ऑब्लीगेशन ही इज टू बी ऑन ठीक है मतलब उसमें जो भी जस्टिफाई करने के लिए जो भी ऑब्लिकेशन लगाए जाते हैं उस पर चेक किया जाता है आफ्टर इवेस्टिगेशन रेजोल्यूशन शुड बी पास बाय टू थर्ड ऑफ मेबर्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सॉरी

कि भैया अब आप आपको हटना है वो कितने दिन के कितने दिन पहले आएगा फोर्टीन डेज के पहले मतलब मान लो उन्हें चौदह तारीख को हटाना है तो मैं एक तारीख को लेटर भेज दूंगा उसके चौदह दिन बाद जो प्रोसेस शुरू होगा ठीक है वो लेटर को जाने के लिए वन फोर्थ ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द हाउस को साइन करना रहता है उस लेटर को पास करने के लिए मतलब उस चीज को अमेंड करने के लिए उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए टू थर्ड ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द हाउस को हाँ बोलना पड़ेगा तब वहाँ पे क्या होगा तब उस पर जाँच चलेगी कि सच में जो केसेस जो जो चार्जेस लगाए गए वो सच है कि नहीं उसके बाद उन्हें हटाया जाता है ठीक है तो ये प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट है पावर्स क्या है एग्जीक्यूटिव पावर्स लेजिस्लेटिव पावर्स डिप्लोमेटिक पावर्स फाइनेंशियल पावर्स डिस्क्रिशनरी पावर्स इमरजेंसी पावर्स ये कुछ पावर्स है आप देख सकते हैं मतलब डोले शोले प्रेजिडेंट्स के हैं ठीक है थीके? अब आता है एग्जीक्यूटिव पावर्स अपॉइंटमेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम प्रेजिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को इन लोग हैं ठीक है इनके एडवाइस से प्राइम मिनिस्टर क्या करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट करता है गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज कौन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट करते हैं गवर्नर ऑफ कोई भी स्टेट के कौन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट करते हैं चीफ गवर्नर्स अटॉर्नी जनरल

फॉरन में उन्हें ही अपॉइंट करते हैं ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ आर कंडक्टेड ऑन प्रेजिडेंट्स एडवाइस जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होते हैं मतलब साइन होता है कुछ भी मतलब कोई भी डील होती है तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर रहते हैं बट वहाँ पे प्रेजिडेंट का एडवाइस जरूर होता है ठीक है रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करते हैं हमारे प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं ठीक है थेके?

एडिशन करना रहता है कोई भी फंड में करना रहता है तो वहां पे प्रेसिडेंट की अप्रूवल लगती है ठीक है डेथ हो गई या या फिर वो बीमार हो हो गए, गई, तो वहां देश को चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर तो चाहिए ठीक है तो वहां पे सडनली एक सॉरी एक, एक, एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मतलब जो टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर है, तो उन्हें कौन अपॉइंट करता है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं ठीक है कैन डिसमिस मिनिस्टर इफ़ दे रिफ्यूज रिजाइन मान लो कोई कोई भी मिनिस्टर है जो कि, कि किसी गलत चीज़ में पकड़ा गया या फिर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हुए पकड़ा गया है तो उन्हें वो डिसमिस कर सकते हैं अगर वो रिज़ाइन नहीं करना चाहता है तो ठीक है सो बेसिक बेसिकली ये इन कुछ पावर्स है जो प्रेजिडेंट के पास है एमरजेंसी पावर्स नेशनल और वॉर एंड और एनी फॉरेन एक्सप्लोइटेशन ये सब जैसे नेशनल और जनरल एमरजेंसी क्या होता है जब भी कोई वॉर हो रही हो जैसे यूक्रेन रशिया तो वहाँ पे एमरजेंसी चाल चल रही है शायद ठीक है तो वैसे ही अगर कोई भी डेंजर आता है कंट्री के ऊपर या कोई वॉर का सिचुएशन आता है या फिर कोई फॉरन कंट्री हम पे इन्वेड या एक्सप्लॉयट करना चाहता है तो वहां पर जनरल नेशनल इमरजेंसी कौन लागू कर सकता है वो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है ब्रेकडाउन ऑफ कंस ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी ड्यू टू पोलिटिकल अनसर्टनिटी एंड डेडलॉ इन स्टेट मान लो वहाँ पे इलेक्शन ठीक से हो नहीं पाए ठीक है डेडलॉक हो गया कोई भी सरकार बना नहीं पा रही या फिर कोई भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो गया मतलब होता है सरकार गिर गई है ऑल ऑफ अ सडन या बहुत दंगे हो गए वहाँ पे तो वहाँ किसी भी स्टेट के अंदर तो वहाँ वा, पर वो क्या कर सकते मतलब कंस्टिट्यूशन फेल कर गया बचाने में ठीक है कोई भी दंगा हो गया है पार्टी फे, मतलब पार्टी फॉर्म करना गवर्नमेंट नहीं बना पा रही तो यहां है अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा तो वहां पे जो प्रेसिडेंट है वहां पे एक कंस्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा देंगे ठीक है फाइनेंशियल इमरजेंशियल इमरजेंसी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया लागू कर सकते हैं ठीक है थेके? तो ये कुछ इनके पावर्स थे जो कि यहां पर बताए गए हैं ठीक है ऑल सेम एज प्रेजिडेंट क्वालिफिकेशन इलेक्शन टर्म फाइव ईयर्स ठीक है वेंकैया नायडू सर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है सेम रहते हैं क्वालिफिकेशन इलेक्शन प्रोसेस जो टर्म जो होते हैं इनका फाइव ईयर्स होते हैं ठीक है थेके? आप प्लीज़ उन्हें ऊपर जाके रीड कर लीजिएगा सो नाउ द क्वेश्चन ऑफ द डे टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट कमेंट बिलो ठीक है एक प्रेजिडेंट का जो उनका टर्म होता है कितने साल का रहता है प्लीज़ कमेंट बिलो एंड प्लीज़ डू लाइक सर आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो हमारे प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने प्लीज़ ये रिकमेंड किया है कि आप लोग हमारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें चैनल को लाइक करें सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सॉरी वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें ओके सो प्लीज यू लाइक सब्सक्राइब आर चैनल होप यू लाइक द वीडियो मिलते हैं नए, वी, नए वीडियो में ओके गुड बाय गाइज होप यू होप यू आर डूइंग वेल सी यू एंड गॉड ब्लेस यू बाय